हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा, साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन मसाला। बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है लच्छा पराठा। हम गेहूं के आटा से बनाएंगे और साथ में पापड़ और प्याज भी रखेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। साथ में लेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन, मिक्सर जार में डाल देंगे। 1/4 लहसुन की है और 1/2 इंच अदरक की। फिर लेंगे हम दालचीनी, इलायची और लौंग, और साथ में डालेंगे 2 चम्मच जीरा। मिक्सर जार में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, जो सूखी वाली साबुत आती है ना उसको डाल सकते हैं। देखिए, मैं इसको डालने के बाद इसको पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इसको चिकन में डाल देंगे। सभी को डालने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी, लगभग 1.5 चम्मच। फिर ये सब्जी मसाला या गरम मसाला आप 1-1 चम्मच डालें। फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, फिर लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। फिर इसको इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छे से मिक्स करिएगा तो ये अच्छे से अंदर तक मसाला जाएगा। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं। अब हम इसको ढक्कन लगा के साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं हम 2 प्याज, मैं अच्छे से छील के धो ली हूँ। फिर इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए लंबे लंबे कट कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसको बारीक भी कट कर सकते हैं। मैं लंबे लंबे कट की हूँ। फिर गैस ऑन कर रही हूँ। इसमें रखेंगे पैन या कढ़ाई, मैं रखी हूँ पैन। इसमें हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल, 2 इलायची और 2 से 3 लौंग। फिर डालेंगे 1 चम्मच जीरा। फिर इसमें प्याज को डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसको भूनने देते हैं। तब तक हम एक से दो टमाटर को कट कर लेते हैं। टमाटर को अच्छे से धो लेना है। फिर इसको हम अच्छे से बारीक से कट कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर को पीस भी सकते हैं। मैं बारीक से कट कर ले रही हूँ। अब देखिए, अच्छे से प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे, ध्यान में रखते हुए कि पहले भी चिकन में नमक पड़ा है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक भूनेंगे। इसमें साथ में डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी गरम मसाला, और साथ में डालेंगे मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई मीडियम पे फ्राई, मतलब कि भून लेंगे। देखिए, अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन को। ठीक है, सभी चिकन को मैं डाल रही हूँ। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। हाई फ्लेम पे करना है ये चीज़ को। देखिए, इस तरह से अच्छे से ऊपर नीचे प्याज सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर इसको हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे करके पकने देंगे। फिर मैं ले ली हूँ आटा, इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। फिर लेंगे आटा, फिर इसमें थोड़ा सा नमक लेंगे जो गेहूं का आटा है। फिर इसको हम अच्छे से गूंथ ली हूँ। देखिए, इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट लड्डू तैयार कर ली हूँ। अब इसको भी ढक के साइड में रख देते हैं, ये भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखते हैं चिकन को। देखिए, ये अच्छे से पानी छोड़ दिया है। इस तरह से चिकन इसको और अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। इस तरह से अच्छे से ऊपर नीचे सभी तरफ से अच्छे से चला देंगे। देखिए, अच्छे से चलाना है ताकि सभी तरफ मसाले अच्छे से कोट हो जाए। फिर इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे रहने देंगे। फिर दूसरी गैस ऑन कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 2 अंडा बॉईल कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे क्योंकि मेरा बेटा चिकन नहीं खा पाता है, तो मैं अंडा बॉईल कर दे रही हूँ। फिर देखिए, मैं इधर चिकन को फिर से देख रही हूँ। ये देखिए, पानी लगभग सूख गया है। इसमें थोड़ा सा तेल छोड़ने लगा है। इसको इसी तरह से भूनते हुए, मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए, देखिए इस तरह से दिख रहा है ना, 15 से 10 मिनट में अच्छे से चिकन भून जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। इस तरह से देखिए, अच्छे से जब भून जाएगा ना तो इसमें हम डालेंगे पानी। देखिए, अच्छे से भून गया है। तवा मतलब कढ़ाई पैन में बिल्कुल भी नहीं लगा है। इस तरह से उलट पलट करके अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, अच्छे से भून गया है तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 गिलास लगभग पानी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट चिकन मसाला। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मैं। फिर ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए, अंडा भी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब गैस को बंद कर देती हूँ। इसको भी उतार देती हूँ, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फिर से गैस ऑन कर ली हूँ मैं। अब चिकन को इस वाले गैस में रखती हूँ। ये वाला जो गैस है ना, ये मेरा धीमा हो गया है। दूसरे गैस में मैं तवा रखती हूँ और आटा को भी देख लेते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। हम बनाएंगे आज लच्छा पराठा। तो इस तरह से अब भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे। फिर इस तरह से अब इसको बेल लेंगे। देखिए, इस तरह से
बहुत बड़े साइज में बेलना है, आप साइज को नहीं देखना है, इस तरह से बेल लेंगे। फिर थोड़े से ऊपर से तेल लगाएंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल को। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, मैं तेल से बना रही हूँ। तो इस तरह से चाकू की सहायता से बीच में इस तरह से चीरा लगा लेंगे, इस तरह से चीरा लगा लेंगे। फिर थोड़े से ऊपर से सूखा डस्ट कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, देखिए इस तरह से ये जेली इस तरह से मुड़ जाता है। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लच्छा खुल के आएगा। इस तरह से करेंगे, फिर इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, घुमा देंगे। फिर इसको इस तरह से राउंड करके इस तरह से डो की फ्रेम में ले आएंगे। देखिए इस तरह से बना के इसको सुखाट लगा के हल्के हाथों से बेल देंगे। हल्के हाथों से बेले तो ये अच्छे से लच्छा पराठा बन के आएगा। इस तरह से बना के एक थाली में सभी को रख लेंगे। इस तरह से देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से बड़ा सा बेल ली हूँ, इस पर थोड़ा सा ऊपर तेल लगाएंगे। देखिए अच्छे से सभी तरफ तेल लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद इसको कट कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से लपेट देंगे, इकट्ठा कर लेंगे सभी को। देखिए फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे, फिर इसको इस तरह से राउंड करके इसको नीचे दबा देंगे। फिर देखिए ये अच्छे से बन गया है, गोल हो गया है। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे, फिर इसको बेल देंगे। देखिए इस तरह से बेल के मैं तैयार कर ली हूँ। इस तरह से हम सभी को बेल के तैयार करेंगे। फिर तवा पर डालेंगे, तवा गर्म हो गया है अच्छे से। इसमें एक साइड से लगा देंगे तेल, फिर इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक देंगे। देखिए कितना अच्छे से लच्छा खुल के आ गया है। दूसरा भी दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से उलट पलट होकर करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अच्छे से पराठा को सेकेंगे तो ही अच्छा लगेगा। देखिए अच्छे से सेक गया है। इस तरह से सभी पराठा को हम तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से लच्छा खुल के आ रहा है इस तरह से। फिर देखिए चिकन के लिए मैं धनिया काट रही हूँ, धनिया को भी अच्छे से काट रही हूँ बारीक। फिर देखिए चिकन भी अच्छे से बन के तैयार हो गया है। इसमें लो फ्लेम पे पका रही थी ना, पूरा पानी सूख गया है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब सर्व करने की टाइम आ गई है। देखिए मैं थाली में निकाल रही हूँ, इस तरह से सभी को निकाल ले रही हूँ मैं। देखिए बहुत ही टेस्टी। अब इस तरह से आप गरम गरम सर्व करें और साथ में इसके साथ लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी जाता है। लच्छा पराठा को इस तरह से देखिए थोड़ा सा सुखो, मतलब कि मोड़ के देख लेंगे, इस तरह से अच्छे से लच्छा खुल जाएगा और इसको सर्व कर देंगे। और साथ में लेंगे हम बारीक कटे प्याज कटे हुए और एक हरी मिर्च, साथ में लेंगे पापड़। इस तरह से आप भी लच्छा पराठा और चिकन मसाला बना के तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला रेसिपी मैं क्या लेके आऊँ। इस रेसिपी को आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।